तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हमारी दूसरी क्लास है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, और इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना एक्सेल, क्योंकि पहली क्लास में हमने थ्योरिकल पार्ट को लिया था। तो फाइल मेनू बार से हम चल रहे हैं। तो फाइल मेनू बार में सबसे पहले आपके पास आता है इन्फो, मतलब इन्फॉर्मेशन अबाउट योर फाइल, जो भी फाइल इस पे काम कर रहा है उसका इन्फॉर्मेशन आता है। लेकिन अगर आपके पास नई फाइल है तो नहीं आता, पुरानी फाइल पे आता है। तो इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। न्यू एक अच्छा कमांड है जहां से आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेते हैं, तो ये इतना चीज बताने की जरूरत नहीं है, तो आपको आता ही है। लेकिन इसमें हमारे पास कुछ टेम्पलेट्स होते हैं, ये जानना जरूरी है। देखिए टेम्पलेट्स क्या होता है इसके बारे में एक बार जान लीजिए, कि जब भी आप कोई नया एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं तो उस एप्लीकेशन के जरिए हम क्या क्या कर सकते हैं, किस तरह की डेटा बना सकते हैं, किस तरह की फाइल कर सकते हैं, ये सब चीजें जानना अगर आपको है तो उसके लिए आपको उस फाइल का टेम्पलेट देखिए, उस सॉफ्टवेयर का टेम्पलेट देखिए। ये हर एप्लीकेशन में मोस्टली होता है। अगर आप मान लीजिए कि एक्सेस ले रहे हैं, वर्ड ले रहे हैं, पावर पॉइंट ले रहे हैं, सैप ले रहे हैं, टैबलू ले रहे हैं, तो हर एक सॉफ्टवेयर में उसका बना बनाया रिपोर्ट सैंपल होता है। तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि हाँ इस तरह की फॉर्मेटिंग या इस तरह की चीजें करनी चाहिए। पहली चीज तो ये होती है, ये तो थोड़ा सा एकेडमाइज हो जाता है, लेकिन मान लीजिए कि ऑफिस में आप हैं और ऑफिस में आपके बॉस ने आपको बोला एक रिपोर्ट बनाने का, आपने इससे पहले कोई ऐसा रिपोर्ट बनाया नहीं था, आपको आइडिया नहीं। जैसे मान लीजिए कि आपके बॉस ने बताया कि वर्क ऑर्डर बनाओ, एक वर्क ऑर्डर फॉर्मेट बनाओ, हमें किसी को कुछ काम देना है तो हमें उसके एग्रीमेंट के लिए वर्क ऑर्डर पे साइन लेना है। आपने इससे पहले कभी वर्क ऑर्डर बनाया ही नहीं, तो जनरली से बात है आप गूगल पे जाकर सर्च करोगे। तो गूगल पे ना जाके आप यही न्यू में आए और न्यू में आप सर्च करें, जैसे कि मैं सर्च कर रहा हूं वर्क ऑर्डर, वर्क ऑर्डर किया, यहां देखिए। लेकिन ध्यान रहे ये इंटरनेट से कनेक्टेड होता है तो इसके लिए आपके पास होना चाहिए। तो आपके पास होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए हमने वर्क ऑर्डर लिया और हमने इसको सिलेक्ट किया और यहां से हमने इसको क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो यहां पे ये हमारा फॉर्मेट हो गया। तो इसमें हमें बस चेंज करना है, अपना जो बनाया बनाया फॉर्मेट है वो बस इसमें चेंज करना है और कुछ चेंज करने की जरूरत इसमें नहीं है। तो इसी तरह से इनवाइस चाहिए आपको, तो इसी तरह से आप जो है यहां पे न्यू पे आए और यहां पे आप जैसे बिल वगैरह निकालना है तो बिल को सिलेक्ट करें और यहां से आप बिल इस यूज कर सकते हैं। और यहाँ देखिए आपके बिल के फॉर्मेट है, जो बिल का फॉर्मेट है, जो फॉर्मेट आपकी रिक्वायरमेंट को फिट कर रहा है, बस उसको आपको सिलेक्ट करना है और आपको क्रिएट कर देना है, वो फॉर्मेट बनाया बनाया फॉर्मेट डाउनलोड हो जाएगा। बस आपको चेंज क्या करना है, इसे यहाँ पे कंपनी का नाम लिखना, स्लोगन लिखना है, यहाँ पे एड्रेस वेड्रेस चेंज करना है और आपका फॉर्मेट बन के रेडी हो जाएगा। तो ये हमारा टेम्पलेट होता है। तो ये तो टेम्पलेट की बात होगी जो कि बनी बनाई टेम्पलेट हो गई, लेकिन आखिरी में टेम्पलेट होता क्या है, आप क्या बनाएंगे, मतलब कि आपको खुद से बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। देखिए टेम्पलेट क्या होता है, बना बनाया फॉर्मेट होता है, कि डेली बेसिस पे जो फॉर्मेट आप इस्तेमाल करते हैं वो आपका बना बनाया फॉर्मेट होता है। एक मिनट, तो जैसे कि अगर आप जैसे कि यहां पे अगर बात हम करें,
कि मैं एक छोटा सा अपने जी आप डेटाबेस में आप रिपोर्ट बनाते हैं उसको देख लीजिए। जैसे कि आप रिपोर्ट बनाने के लिए क्या करते हैं कि कल की रिपोर्ट को आप उठाते हैं उसको सेवेज करते हैं आज की रिपोर्ट में, राइट, और फिर उसका नाम वगैरह चेंज करते हैं उसमें। कल की जो डेटा है वो कल की डेटा को आप चेंज करते हैं आज के डेटा में और सेव कर देते हैं। हर बार आपको क्या करना होता है, फॉर्मेट सब कुछ सेम होता है बट आपको डेटा चेंज करना होता है। तो क्यों ना हम इसकी टेम्पलेट बना ले जिससे डेटा चेंज करने की जरूरत ना पड़े। तो एक हम छोटा सा फॉर्मेट बनाते हैं और उस फॉर्मेट को हम आपके साथ बताएंगे किस तरीके से हम उसको कन्वर्ट करते हैं इसमें। जैसे कि यहां पे हम उठाते हैं छोटा सा फॉर्मेट, मैंने लिया और इसको मर्ज कर दिया और यहां पे मेरे पास एक डेली सेल्स ट्रैकर होता है उसको यूज करते हैं। और मैं यहां से साइज को बढ़ा देता हूँ छोटा करने के लिए, हाँ, और यहां से अंडरलाइन लेता हूँ डेट टाइम और लाइनिंग के लिए इसको सिलेक्ट किया और यहां से बॉर्डर हमारा होता है सिंगल लाइन का वो हमने बॉर्डर यहां से ले लिया। उसके बाद सीरियल नंबर पार्टिकुलर एंड डियर सीआर एंड बैलेंस और इसको हम बॉर्डर बना दे देते हैं। एक छोटा सा टेम्पलेट बना रहे हैं हम, आपको बताने जा रहे हैं कि टेम्पलेट आखिर होता क्या है। अब मैं इसकी जो ग्रिड लाइन है वो हटाने के लिए अब मैं पेज लेआउट में जाता हूं और यहां से ग्रिड लाइन व्यू को अनचेक कर देता हूं। तो मैं ये डेटा हर बार क्या करता हूं कि डेट को खाली को बदलता हूं, टाइम को बदलता हूं और ये पूरा सीरियल नंबर बैलेंस वगैरह हटाता हूं, टोटल वगैरह करके फिर से फिल करता हूं और फिर इसकी प्रिंट आउट या जहां भेजना है उसको भेजता हूं। तो हर बार मुझे वो क्लीन सिलिंग करना पड़ता है। तो मैंने क्या किया कि इस फाइल को सेव एज कर दिया, सेव एज डेस्कटॉप और यहाँ पे आपका जो लोकेशन है टेम्पलेट यहाँ पे एक्सेल वर्कबुक बाय डिफॉल्ट होता है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए एक्सेल टेम्पलेट पे और लोकेशन में जाइए नाम जो देना डाल दीजिए। जैसे मैंने नाम दे दिया कैश का और सेव कर दिया तो मेरी ये फाइल टेम्पलेट में सेव हो गई। अब यहाँ टेम्पलेट पे सेव होते एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसका आइकन चेंज हो गया, ठीक है, आइकन चेंज हो गया टेम्पलेट का आइकन है। अब मैं जब भी इसको ओपन करूंगा, जैसे आप नई एक्सेल सीट ओपनिंग करते हैं तो बुक वन बुक टू बुक थ्री ऐसे होता है, उसे से मैं इसको ओपन करूंगा तो कैश वन कैश टू कैश थ्री इस तरह से मुझे दिखेगा। देखिए कैश वन तो हर बार मुझे इसी तरह से ब्लैंक देगा, एवरी टाइम मुझे ब्लैंक देगा। तो इससे दो फायदे हैं कि अगर आपके पास अगर दिन में 10 रिपोर्ट बनाते हो 10ों का टेम्पलेट बना दो तो आपके बाद अगर कोई थर्ड पर्सन आता है उसको पता रहेगा कि हाँ 10 रिपोर्ट आज बनाने इसके टेम्पलेट फोल्डर में पड़े हैं। तो अगर मैं सेव करूंगा तो इसी टेम्पलेट में सेव हो जाएगा या फिर कहीं अलग से सेव होगा? जैसे आप सेव करेंगे ये आपका सेव एज हो जाएगा, डिफरेंट नाम डिफरेंट लोकेशन, आपका टेम्पलेट तो चेंज ही नहीं होगा सर, ठीक है। जैसे आप इस पे मान लीजिए मैं डेट डाल दिया यहाँ पे और जैसे मैं इसको सेव करूंगा देखिए सेव एज होगा, ठीक है। जैसे आप जस्ट लाइक बुक आप नई वर्कशीट लेते हैं बुक वन बुक टू बुक थ्री उस तरह से बिहेव करेगा। तो बुक वन बुक टू थ्री लेते हैं वो ब्लैंक होता है, ये आपका क्या होगा ये आपका फॉर्मेट है फॉर्म ब्लैंक फॉर्मेट आएगा। और किसी को कोई डाउट?
सर कोई शॉर्ट की होती है सेव एज की? सेव एज की शॉर्ट की मैं बता, शॉर्ट की के लिए मैंने कल दिया था लिस्ट। शॉर्ट की अगर आपको जानना है तो यहाँ एक्सेल के जो टेल मी व्हाट होता है उस पे जाएं और यहाँ शॉर्टकट को टाइप करें और यहाँ गेट ऑन हेल्प ऑन शॉर्टकट और ये रहा आपका पूरा एक्सेल का शॉर्टकट लिस्ट। देखिए मैं शॉर्टकट ज्यादा पता नहीं है क्योंकि मैं शॉर्टकट इस्तेमाल काफी दिनों से नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब से मैं ट्रेनिंग में आया हूँ अगर मैं शॉर्टकट इस्तेमाल करूंगा तो आप लोगों को समझ भी नहीं आएगा कि मैंने कहाँ किस तरह की चीजें प्रेस की है। बट सर मुझे ढूंढना हो सेवस के लिए कैसे ढूंढेंगे फिर इसके अंदर? यहाँ पे देखिए ना पूरा का शॉर्टकट है आपका, दिख रहा है आपको? कंट्रोल डब्ल्यू, कंट्रोल ओ, कंट्रोल एस, कंट्रोल एस तो नॉर्मल शॉर्टकट होता है लेकिन अगर आपका फाइल नया हो तो सेव एज पे ऑटोमेटिक चला जाता है। सेव एज के लिए आई थिंक एफ ए होता है, एफ 12 होता है, एफ 10 या 12 होता है, ओके सर एफ 12 होता है, हां एफ 12 सही बोला आपने। पूरा शॉर्टकट लिस्ट में है, ठीक है ठीक है, इसकी प्रिंट आउट निकाल लें या फिर इसको कर लें, इस पे आपको सब मिल जाएगा आपको, ठीक है, दिख रहा है आपको ना सर? ठीक है सर। हाँ सर कैसे आया था हमारा, उसमें जाके हम स्केल खेंगे? यहाँ पे टेल मी मोड में जाके आप शॉर्टकट टाइप करें और इसमें शॉर्टकट जैसे टाइप करेंगे शॉर्टकट और यहाँ पे देख रहे हैं आपको सर, लेकिन इसके लिए इंटरनेट कनेक्ट होना जरूरी है, ध्यान रखिए इंटरनेट कनेक्ट नहीं रहेगा तो फिर नहीं आएगा क्योंकि ये इंटरनेट से चलता है। ये चीज मैंने कल डिस्कस किया था, शायद आप नहीं ध्यान दिए थे। ठीक है सर। ओके सर, अब सेव एज की हम बात करते हैं तो सेव एज में क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। चलिए तो जैसे कि आप फाइल सेव करते हो या सेव एज, सेव फर्स्ट नया फाइल तो सेव एज ही होता है ना, सेव एज करते हो तो आप एक लोकेशन को चूज करते हो, उसके बाद यहाँ आपका आता फाइल सेव एज टाइप। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, ये डिफॉल्ट आपका एक्सेल वर्कबुक होता है। एक्सेल वर्कबुक मतलब इसका ए है आपका एक्सेल फाइल, मतलब इसका एक्सटेंशन होता है डॉट एक्सलेस एक्स, लेकिन इसमें सेव करते समय आप इंश्योर रहिएगा कि आपके फाइल में किसी तरह के माइक्रो प्रोग्रामिंग तो नहीं है, क्योंकि अगर आपके फाइल में किसी तरह का माइक्रो प्रोग्रामिंग हुआ तो ये फाइल आपका इस सारे माइक्रो को डिलीट कर देगा क्योंकि ये माइक्रो डिसेबल फाइल होते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास सिस्टम में माइक्रो वाली फाइल है तो उसको आप सेव करेंगे माइक्रो अनेबल वर्कबुक में। माइक्रो एनेबल वर्कबुक एक्सेल की डेटा को और माइक्रो को दोनों को सेव करता है, कोई फर्क नहीं होता है। डेस्कटॉप पे देखिए ये जो दिख रहा है आपको ये माइक्रो, इस पे इस तरह का जो निशान लगा रहेगा इट मींस ये माइक्रो एनेबल वर्कबुक है, इस फाइल में माइक्रो होने की संभावना है। तो आप अपना जनरल फाइल भी अगर सेव कर देते हो माइक्रो एनेबल वर्कबुक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर माइक्रो वाली फाइल को अगर आप अपना नॉर्मल जो एक्सेल वर्कबुक होता है उसमें सेव करेंगे तो सारे माइक्रो आपके खत्म हो जाएंगे, डिसेबल हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे, वो आपको रिकवर नहीं होगा। फिर तीसरा आता है एक्सेल बाइनरी वर्कबुक। अब इसका यूज क्यों करते हैं, जैसे कि आपके पास तो डंप डेटा होता होगा जो कि 400-500 MB का डेटा होता है, डंप डेटा जिसमें डेली बेसिस में डेटा अपडेट होता है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि जब भी वो फाइल खुलती है वो काफी ज्यादा स्लो वर्क करती है, हमेशा हैंग होगा, नीचे कैलकुलेटिंग परसेंटेज शो हो जाएगा और 500 MB 700 MB की फाइल काफी बड़ी फाइल हो जाती है। तो ऐसे फाइल को आप माइक्रो ये आपका एक्सेल बाइनरी वर्कबुक में सेव करेंगे तो आपकी फाइल की साइज बहुत कम जाएगी और फाइल थोड़ा सा फास्ट परफॉर्म करेगा, लेकिन ध्यान रहे कि फाइल में किसी तरह का फॉर्मूला, किसी तरह की फॉर्मेटिंग नहीं होनी चाहिए, अगर हुआ तो सबको पेस्ट एज ए वैल्यू कर देगा और फॉर्मेटिंग को रिमूव कर देगा क्योंकि बाइनरी फॉर्मेट में सेव होता है, बाइनरी फॉर्मेट नॉन फॉर्मेटिंग एंड नॉन कैलकुलेटिव डेटा होता है, तो सेव करने से पहले आपका ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपका आता है 97 से 2003। अब जैसे अभी भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे हैं कि जो कि पुराने वर्जन मतलब कि डॉट एक्सलेस फाइल को ही लेता है, एक्सलेस एक्स को नहीं लेता है,
97 से 2003 क्या था, उसमें 65,000 समथिंग रो एंड 256 कॉलम थे, मैंने लिमिटेड डेटा था, स्प्रेडशीट फॉर्मेट था। तो बहुत सारे जगहों पे भी वही चल रहा है बहुत सारे सॉफ्टवेयर में, तो हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। लेकिन जब इसमें कन्वर्ट करने से पहले आप चेक कर लीजिएगा कि आपका आपके उस फाइल के अंदर में 65,000 से ज्यादा डेटा ना हो, अगर ज्यादा है तो 65,000 के बाद की डेटा जो है वो डिलीट कर देगा, तो इसका भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसमें आपने टैंपलेट मैंने आपको बता ही दिया, माइक्रो एनेबल टैंपलेट सिंपल, अगर माइक्रो में टैंपलेट बनाना है तो इसका इस्तेमाल करेंगे, 2003 का टैंपलेट बनाना है तो इसका इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा और भी बहुत सारे फॉर्मेट हैं तो इसको हम बाद में सीखेंगे, लेकिन हाँ पीडीएफ अगर पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इसके सेव एज पीडीएफ करते हैं, इन सबों पर बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमने आपको एक्सेल वर्कबुक, माइक्रो एनेबल वर्कबुक, बाइनरी में इन तीनों में डिफरेंस समझाया, और टैंपलेट तो आपको पता ही था, तो सेम में इसका ध्यान रखना होता है। बाकी प्रिंट, शेयर, ये सब चीजें एक्सपोर्ट, जैसे कि आपको पीडीएफ वगैरह में एक्सपोर्ट करना चाहते हो, बीआई वगैरह है तो आप बीआई वगैरह में पब्लिश करना चाहते हो, उसका इस्तेमाल हम करते हैं। उसके अलावा हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टी को सेट करने का। प्रॉपर्टी को कैसे सेट करने का मतलब है, जैसे कि अभी मान लीजिए कि ये हमारा आईपीटी एक्सेल स्कूल का फाइल दिख रहा है, तो इसमें टाइप है माइक्रोसॉफ्ट माइक्रो एनेबल वर्कबुक, ऑथर है सुजीत कुमार, साइज है ये। अब प्रॉब्लम ये है कि जैसे कि आपके बहुत पुराने पुराने फाइल होते हैं, 6 महीने, साल भर, 2 साल भर पुराने, नाम होता है डेटा, रिपोर्ट, बुक वन, इस तरह के नाम होते हैं, तो उस नाम को से पता लगना मुश्किल होता है कि इस फाइल के अंदर में क्या डाला है, हमें उस फाइल को ओपन करना होता है। जब तक हम ओपन करके डेटा नहीं देखेंगे हम समझ नहीं पाते हैं क्या डेटा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर हमें बहुत सारे फाइल ढूंढनी हो तो खोल खोल के देखने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो क्यों ना इसकी प्रॉपर्टी को मेंटेन कर दिया जाए जिससे हमें फाइल खोले बगैर ही इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो आप अपने इंपॉर्टेंट फाइल जिसको ऐसा लग सकता है कि फ्यूचर में इसको काम हो सकता है, ऐसे फाइलों पे आप क्या करें, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाएं, और प्रॉपर्टी में जाने के बाद यहाँ डिटेल्स आता है, डिटेल्स में आए आप इसके मेंटेन कर दें, इसका जैसे टाइटल है हमने बोल दिया स्टूडेंट डेटा फाइल, यहाँ सब्जेक्ट देते हैं ट्रेनिंग डेटा एंड डेमो क्लास, और भी जैसे अब कैटेगरी है, अब कैटेगरी में जैसे कि मैं यहाँ पे दे सकता हूँ डंप। अब इसमें टैग का यूज करते हैं या इसके बारे में हम आपको बताएंगे, मेल, ठीक है, इतने सारे हमने इसके टैब डाल दिया। तो इससे अब मैं इसको अप्लाई करके ओके करता हूँ, अब एक बार अब जो है रिफ्रेश करें फाइल को, एक्सेल को, अब इसमें कर्सर जाएगा तो कर्सर देखिए क्या आ गया, ऑथर दिख गया, टाइटल स्टूडेंट डेटा फाइल, सब्जेक्ट ज्वाइनिंग डेटा एंड डेमो क्लास फाइल। तो आपको इससे पता चल रहा है ना सर, अब फाइल खोलने की जरूरत तो नहीं है क्या दीपक जी? हाँ सर क्लियर है, यानी राइट क्लिक करके वहां पे जाके हम डिटेल्स में चेंज कर देंगे। हाँ प्रॉपर्टीज में जाके इसको आप चेंज कर सकते हैं इजीली, ठीक है, ठीक है सर। इसमें क्या है, इसमें एक चीज और है, इसमें आप यहाँ पे एक चीज और है, एक चीज यहाँ पे देखने वाली बात है कि हमने टैग मेंटेन किया था, इसमें मैंने अलग चीज दिया था, टैग क्या करता है, देखिए टैग का यूज होता है सर्च में। आप लोग कीवर्ड का नाम तो जानते होंगे ना सर, कि कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड्स वगैरह बनाते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए मेरा ये, तो आप मुझे आप सुजीत कुमार सर्च कर सकते हैं गूगल पे, या सर्च कर सकते हैं आईपीटी इंडिया, सर्च कर सकते हैं एडवांस एक्सेल ट्रेडिंग, बीबीए माइक्रो ट्रेडिंग, कई सारे वर्ड से मुझे सर्च कर सकते हैं। तो मैं अपने वेबसाइट में मेटा टैग डिफाइन कर रखा है कि इतने लोगों को सर्च करे तो मेरा टॉप सबसे पहले आना चाहिए। उसी तरह से मैं अगर यहाँ पे दे दिया, मान लीजिए मैंने दे दिया वीवीए, यहाँ देखिए वीवीए सर्च कर दिया, अब इसका फाइल का नाम वीवीए तो नहीं है, लेकिन इस फाइल के टैग के अंदर वीवीए डला हुआ है, ये फाइल आ जाएगा।
तो आगे चल के जब सर्च करते आपको लगेगा फाइल सर्च करने के लिए मैं इस फाइल को दूसरे नाम से भी सर्च कर सकता हूँ, तो आप उसका टैग मेंटेन कर दीजिए ऐसा। अब देखिए इतना इतना चीजें मैं डिटेल में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हम अपने ऑफिस का तकरीबन 60% से ऊपर टाइम, नहीं 30-40% का टाइम हम फाइल को फोल्डर को ढूंढने में बिता देते हैं। तो आप जब काम करते जाएं और आगे का जब सर्च का भी ऑप्शन को सही करते जाएं, तो आपको आगे चल के दिक्कत नहीं होगी। ठीक है सर? यस सर। मैं तो ये भी कहूंगा कि अगर आपके पास टाइम है तो डेली बेसिस में आप जो है अपने जो भी फाइल क्रिएट करते हैं उसका लिस्ट क्रिएट कर दे, जैसे कि फाइल नेम इस तरह से एक डेटाबेस बना लें, डेट फोर किसके लिए बना है, सेंड किसको भेजा गया है, पर्पस क्या है, ये डाल दीजिए, और इसमें ये भी डाल सकते हैं पाथ कि ये कहाँ पे फाइल स्टोरेज है। तो इसमें आप अपने सारे फाइलों का डिटेल डाल देंगे तो उससे दो फायदे हैं, दो तीन फायदे हैं। पहला फायदा कि आपको फाइल ढूंढना होगा तो इजिली यहां से फिल्टर लगा के आप ढूंढ सकते हैं। दूसरा फायदा इसमें है कि जब आप किसी दिन छुट्टी पे जाएंगे, आपकी जगह पे कोई और काम कर रहा है, तो उसको आपको बार बार फोन करके पूछेगा कि फलाना फाइल कहाँ पर रखा हुआ। ये सब मेरे साथ होता था कि जब मैं छुट्टी पे जाता था तो फोन पे हमेशा आना पड़ता था, क्योंकि मेरा जो काम कर रहा है उसको बताना होता था कि भाई फलाना चीज फलाने जगह पर रखा हुआ है। लेकिन जब ये पूरा मैंने मेंटेन कर दिया तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। सॉरी और एक और चीज इसमें बेनिफिट क्या होता है, जब आप जॉब छोड़ते हैं और किसी को हैंड ओवर देते हैं तो हैंड ओवर में आपको सारे फाइलें और रिपोर्ट समझाना होता है, बस उसको एक फाइल दिला दो वो समझ जाएगा। दूसरा एक और चीज इसमें बेनिफिट होता है कि अप्रेजल में, अगर अप्रेजल में अपना परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाना है तो इन फाइलों की मदद से आप अपना परफॉर्मेंस रिपोर्ट बना सकते हैं। तो अगर डेली बेसिस में फाइल मेंटेन करते हैं तो उसका कई सारे फायदा है। क्या दीपक जी एंड प्रसून जी, मैं सही बोल रहा हूँ ना? राइट सर, परफेक्ट। चलिए एक गैलेक्सी 6 से किसने ज्वाइन किया, J6 से? हेलो ओके यस यस ओके मैंने म्यूट कर रखा था, आपके ना आगे म्यूट होता और म्यूट करेंगे तो मैं आपको सुन पाऊंगा। बेसिकली ये क्लास रिकॉर्ड भी होती है, तो इन फ्यूचर में आपको ये रिकॉर्डिंग मिलेगा तो उसमें शोर शराबा नहीं होगा, तो आपको समझने में अच्छी रहेगी। इसलिए मैं सबको म्यूट कर देता हूँ, जिनको पूछना होता है वो अपने आप को अनम्यूट करके मुझसे पूछते हैं। उसके बाद हम वापस चलते हैं, हमने फाइल को मेंटेन कर, फाइल की प्रॉपर्टी मेंटेन कर ली, और वो प्रॉपर्टी आप यहाँ इन्फो में जाके भी देख सकते हैं सारी प्रॉपर्टी, और इन प्रॉपर्टी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ भी डाल सकते हैं। राइट क्लिक करके आपको प्रॉपर्टीज में जाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से भी अपनी प्रॉपर्टीज मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट ऑप्शन, नेक्स्ट ऑप्शन आता है, वो आता है ऑप्शन। अब इसमें कुछ लोग सवाल पूछते हैं कि सर हमें पहली या दूसरी क्लास में आप एक्सेल की इस ऑप्शन और सेटिंग क्यों बढ़ा रहे हैं? देखिए ऐसा इसलिए कि जब भी आप नई चीज लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपने नया सेल फोन लिया, या मान लीजिए आपने एक नया पीसी लिया, तो उसमें माइक्रोसॉफ्ट या फिर जो भी फोन कंपनीज है वो अपने हिसाब से सब कुछ सेट करके तो देता है डिफॉल्ट। फिर भी हम वॉलपेपर चेंज करते हैं, रिंगटोन चेंज करते हैं, हम लोग अलार्म चेंज करते हैं, अलार्म टोन चेंज करते हैं, बहुत सारी चीजें चेंज करते हैं ना। क्यों? क्योंकि वो हम अपने एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको रखना चाहते हैं। उसी तरीके से आपकी जो एक्सेल की सेटिंग है वो भी हमारे एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग सेट कर ले, ताकि आगे चल के हमें दिक्कत ना हो। ठीक है, इसलिए इसका यूज हम करते हैं। अब आगे इसमें इसके बारे में हम आपको कल बताएंगे, क्योंकि लंबा टॉपिक है, आज कवर नहीं हो पाएगा। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं हेल्प सिस्टम पे। जैसे कि अगर मान लीजिए कि किसी चीज के बारे में आपको मैंने पढ़ाया, लेकिन हो सकता है कि आप 6 महीने सालों बाद वो चीज भूल गए हो,
कभी कभी क्या होता है कि भूली हुई चीज के लिए थोड़ा सा हिंट मिल जाता है तो हम उसको वापस रिकवर कर लेते हैं। तो हिंट कहाँ से मिलेगा? तो आप उस पे कर्सर रखें, कर्सर रखते आपको यहाँ पे दिख रहा है ये आपका स्क्रीन टिप्स दिख रहा है, इसी में आपको टेल मी मोर करेंगे तो एक्सेल का हेल्प खुल जाएगा और उसमें उस फीचर की कंप्लीट डिटेल आ जाएगी, कंप्लीट डिटेल। बट इसमें हमारे कुछ बच्चे पहले सवाल पूछते थे कि सर जनरली तो हम लोग गूगल पे सर्च करते हैं, इसे एक्सेल हेल्प पे तो सभी सर्च किए ही नहीं। पहले बात जान लीजिए कि एक्सेल हेल्प आपका यूजर मैनुअल है, पहली चीज इस चीज को जाने। दूसरी चीज क्या है कि गूगल पे जो चीज आप सर्च करते हो वो 100% प्रूफ रीड नहीं होता है, ठीक है सर? वो 100% आपका प्रूफ रीड नहीं होता है। तो इसलिए अगर आप एक्सेल हेल्प में कुछ सर्च करते हो तो उसमें ये दिक्कत हो सकती है कि इसमें गूगल पर सर्च करते समय कोई इन्फॉर्मेशन आपको सही या गलत भी मिल सकता है, लेकिन एक्सेल हेल्प में इन्फॉर्मेशन हमेशा आपको करेक्ट मिलेगा क्योंकि ये प्रूफ रीड के साथ डला हुआ है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कुछ भी किसी भी ऑप्शन के बारे में जानना हो, किसी भी चीज के बारे में डिटेल में जानना हो तो आप एक्सेल हेल्प को ही प्रेफर दें। जैसे कि मुझे अगर लिमिटेशन चाहिए, मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे एक्सेल की मैक्सिमम लिमिट क्या है, तो आप एक्सेल हेल्प पे जाए और लिमिट सर्च करें। लिमिट सर्च करते ही आपको यहाँ पे सर्च रिजल्ट आएगा एक्सेलिफिकेशंस एंड लिमिट, और यहाँ पे आपके पूरे एप्लीकेशन की मैक्सिमम लिमिट है। अब कुछ लोग पूछते हैं कि सर इसको पढ़ना जरूरी क्यों है, राइट सर? जरूरी देखिए सम टाइम जरूरी होता है। जैसे मान लीजिए कॉलम बेर्थ क्या है, 255 करेक्टर। अब क्या जरूरी, ये जानना जरूरी है? हम कॉलम को जितना बड़ा करना होगा हम बड़ा कर देंगे, जितना बड़ा होना होगा हो जाएगा। ये कितना है, 58 है ना? हाँ 58 है, 58.14 है, ऐसे 255 करेक्टर जाएगा। लेकिन ये तो चलो माउस के पॉइंटर से पॉइंट कर लिया, लेकिन अगर यही चीज आपको VBA प्रोग्रामिंग के जरिए करनी है तो वहां पे तो हमें करेक्टर लिखना पड़ेगा ना कि हाँ कि कॉलम ey.columnwidth इक्वल टू 200, 100। लेकिन मान लीजिए आपको बहुत बड़ा डेटा स्टोर करना है तो आपने 500 लिख दिया, आपको लिमिट पता नहीं था, तो एरर दे देगा, वो तो चोरी है। अब कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर आप नेस्टेड इफ लगाते हैं तो नेस्टेड इफ में कितने इफ और लग सकते हैं? तो मैं बोलता हूं इसकी लिमिटेशन डिफाइन नहीं है, कहीं लिमिटेशन डिफाइन नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपके पास नीचे देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि 32,767 नंबर ऑफ करेक्टर इन द वन सेल आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर फॉर्मूला आप देते हैं तो इफ हमने सिलेक्ट किया ग्रेटर देन 60 कॉमा अगेन इफ, तो जब तक ये पूरा फॉर्मूले का जो लेंथ है 32,767 नहीं होता है तब तक आप लगा सकते हैं। जैसे 32,767 से एग्जिस्ट करेगा आपका फॉर्मूला वैल्यू एरर दे देगा। तो अगर ये चीज पता आपको ना हो और फॉर्मूला आप लगाते चले जाए और बाद में एरर दे, तो आप अपना सर का बाल नोचेंगे कि फॉर्मूला तो सही लगाया हुआ है, एरर कहाँ दे रहा है, और बड़ी फॉर्मूले को एरर फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो यहाँ ये चीज आपको हेल्प करेगी। तो आप एक बार लिमिटेशन को अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा, ठीक है? और उसके बाद यहीं पे आपका जैसे बताया था कि यहाँ पे यहीं पे आप शॉर्टकट को सर्च कर सकते हो, तो शॉर्टकट लिस्ट भी आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा। और जो शॉर्टकट लिस्ट इसमें नहीं है तो आप ऑल्ट की से भी जा सकते हो, अपने कीबोर्ड का ऑल्ट की प्रेस करोगे तो ऊपर देखिए मेनू बार में आ गया ना सर F H, ये आपके शॉर्टकट है। मैं वापस H दबाऊंगा तो इसमें H के साथ आएंगे। मुझे कलर बॉर्डर करना है तो मैं B दबाऊंगा तो B के जितने भी फीचर्स है ऑल बॉर्डर A, तो आगे चल के याद रहेगा कि Alt B for H for home, B for border, A for all border, और अप्लाई करनी है। तो इस तरह के शॉर्टकट्स आप याद कर सकते हैं, ठीक है सर?
तो आज आप लोगों का होमवर्क क्या है कि आप एक्सेल की लिमिटेशन को पढ़ेंगे, शॉर्टकट्स को पढ़ेंगे, ठीक है, दो चीज पढ़ेंगे, और तीसरी एक्सेल में आपका जो टेम्पलेट है वो एक बार टेम्पलेट को, डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट को डाउनलोड करके आप अवेयर होंगे कि किस किस तरह के रिपोर्ट और किस तरह के फॉर्मेट बनते हैं। ये चीजें आज की आपकी होमवर्क है। सर एक बार गाइड करना कि हमें हेल्प का हेल्प ऑप्शन कैसे खुला था हमारा। हेल्प ऑप्शन के लिए आप F1 प्रेस कीजिए, खुल जाएगा। जैसे मान लो सर मुझे कंडीशनल फॉर्मेटिंग की हेल्प चाहिए, कैसे करेंगे? तो उस पे कर्सर रखिए, नीचे टेल मी मोर आएगा। ओके आ गया। या फिर हेल्प पर हेल्प खोल के उसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग सर्च कर लीजिए F1 दबा के। ठीक है, ठीक है सर। ओके बाय, गुड नाइट, कल मिलते हैं सेम 9 बजे और 9:05 में हम क्लास स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट।